दोस्तों आज जो फ्लैट देखने वाले हो ना, सुपर लग्जरियस फ्लैट है। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये पीछे देख रहे हैं ना, शीशे का काम, ग्लास डोर। आप जनकपुरी में फ्लैट नहीं देख रहे हो, आप फ्लैट देख रहे हो उत्तम नगर में। जनकपुरी वाला काम उत्तम नगर में, और फ्लैट के रेट बहुत बढ़िया। अगर कंपेरिजन करेंगे तो मजा आने वाला। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना। आज एक एक बेडरूम, एक एक ड्राइंग रूम इतना शानदार होने वाला है ना दोस्तों, आपको पूरा ही पूरा मजा आ जाएगा। फ्लैट देखोगे रूह खुश हो जाएगी, मेरा आपसे ये वादा है दोस्तों। की हाल चाल, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं संजय ग्रोवर आपको ये सामने एक बार फिर लेकर आया हूं 100 गज का 3 BHK का फ्लैट। दोस्तों ये फ्लैट इतना खूबसूरत है ना, ड्राइंग रूम के पीछे वाली बैकग्राउंड तो आपने देख ली होगी। इसके जो तीनों बेडरूम है, एक एक बेडरूम पे अलग अलग काम किया गया है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। एक बेडरूम में जाओगे आपको अनोखा काम दिखेगा, दूसरे बेडरूम में जाओगे आपको अनोखा काम दिखेगा, तीसरे बेडरूम में जाओगे तो आपको और भी अनोखा काम दिखेगा। इतना पसंद आएगा ना, इसके जो बेडरूम मैंने बनाया है, मैं कहता हूँ हटके बनाया है। ड्राइंग रूम में तो मैं खड़ा ही हूँ, ड्राइंग रूम मेरे पीछे आप देख ही रहे हो, सुपर सुपर लग्जरियस फ्लैट है आपके लिए ये। आज पूरी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा वाकई कोई चीज देखी है हमने। और सबसे बड़ी बात है कि मेन रोड से कनेक्टेड है, सीधी रोड आ रही है, 300 मीटर का डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से। बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसी ऐसी चीजें इस फ्लैट के अंदर मिलेगी आपको, आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इतना शानदार होने वाला ये वीडियो, मजा आएगा दोस्तों। खड़ा हूं दोस्तों मैं ड्राइंग रूम के अंदर, पीछे मेरे ये एंट्रेंस देख रहे हैं, यहां से एंट्रेंस आनी है। ये पीछे LCD पैनल लगा हुआ है, और पैनल में कुछ भी काम ऐसा ना किया हुआ जो इसकी लग्जरियस को ना दर्शाता हो। लूवर्स, ग्लास, लाइट सब कुछ शानदार लगी हुई है दोस्तों। और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं दोस्तों, कुशनिंग का सुपर क्वालिटी वाला काम। कुशनिंग तो सब लगा रहे हैं, सब वीडियो में देखी भी होगी, लेकिन इसमें जो काम किया हुआ है बहुत ही नीट एंड क्लीन सफाई के साथ किया हुआ है। और पीछे वॉल्स देख रहे हैं, ये भी बड़े अट्रैक्टिव लगे उसके ऊपर। और ये पीछे ग्लास वाली जो वॉल देख रहे हैं, ये भी बहुत ही इसकी खूबसूरती को इनहेंस कर रही है। एल टाइप का सोफा लग जाएगा अगर, और सामने TV आ जाएगा, और जो ऊपर फॉल सीलिंग झूमर आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं इसको चारों चार लगा देगा। इतना सुपर लग्जरियस ये ड्राइंग रूम है। अभी आप बेडरूम देखोगे आपको और भी शानदार लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, ये वादा है। पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना कि आप स्टार्ट तो ऐसा करते हो बहुत खूबसूरत है, उसके बाद तो कॉमन होता है। नहीं, आप पहले देखना फिर कमेंट सेक्शन में जाके गुड और बैड का कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आपने ड्राइंग रूम का स्पेस देख लिया है। अगर मैं साइज की बात करूं तो कम से कम ऐसे 15 फुट है, और ऐसे 16 फुट है। 15x16 का सुपर बिग ड्राइंग रूम आपके सामने है। पीछे की वॉल आप देख चुके हो, सारा सिस्टम देख चुके हो, बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इसकी खूबसूरत किचन में जाऊंगा। किचन में जाने से पहले मैं कुछ स्पेशलिटी दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हो जो सर्विंग स्पील बनी हुई है, जिस खाना बन जाता है आप यहाँ सर्व कर सकते हैं, या वहां 2 लंबी चेयर लगा से इसको डाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपने लाइट लूट देखी है, हमने जो काम किया वुडन का बहुत ही खूबसूरत किया है। ये हमने कुछ स्पेशल चीज ऐड कर दिया है ताकि डाइनिंग स्पेस आपका थोड़ा सा यूज हो सके। वैसे आप डाइनिंग अलग से रखना चाहेंगे वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यू टाइप की किचन बनी हुई है, वुडन का सारा स्पेशल काम किया गया है, यहाँ पर सारा ग्लास वर्क किया गया है। चिमनी आपको लगा के देंगे, बिल्कुल लाइटें लूटे सब लगी हुई है, और नीचे से प्रोफाइल लाइट की जो लाइट निकल के आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये हमने यहाँ पर पेंट्री भी दे दिया है। पेंट्री में भी आप देख रहे हैं, पहले भी आपने देखी होगी स्टील की वायरिंग वाली बास्केट होती है, बास्केट भी हमने पूरे ग्लास और स्टील वाली बढ़िया क्वालिटी की ब्रांडेड लगाई है, कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी किचन मैंने आपको दिखाई है, बहुत खूबसूरत किचन थी। अब मैं इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ आपको दिखाता हूँ। ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई है, बाथरूम के एक्सेसरीज सारी लगी हुई है। अब जिस चीज की मैं तारीफ कर रहा था कि इसके बेडरूम बहुत ही प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, तो दोस्तों उसकी बारी अब आ गई है। अब मैं आपको सबसे पहले पहले बेडरूम के अंदर लेकर चलूंगा जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों। चलो चलते हैं पहले बेडरूम की। ये है पहला बेडरूम जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, व्हाइटिश बेडरूम। मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं, बैकग्राउंड हमने सारा व्हाइट दिया हुआ है, ब्लैक कलर का ग्लास बीच में हमने हाईलाइटर के हिसाब से दे दिया है, और साथ में जो वार्डरोब दी है पूरी व्हाइट, और ये बीच में ग्लास लगाया है। ये दोस्तों माइका नहीं है, ये ग्लास है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। तो ये मेरा पहला बेडरूम था। आपको दोनों बेडरूम और भी बड़े पसंद आएंगे, वो हटके हैं, वो भी हटके हैं, जैसा ये हटके है वो भी हटके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं इसकी फॉल सीलिंग की बात करूं,
पूरी व्हाइट कलर की फॉल सीलिंग दी हुई है, व्हाइट कलर की प्रोफाइल लाइट दी हुई है, व्हाइट कलर की लाइटें दे दी है, पूरा व्हाइटिश बेडरूम है जो बहुत ही खूबसूरत मेरे हिसाब से लग रहा होगा, मुझे बहुत पसंद आया, होप सो आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पर कोई आपका सुंदर सा बेड लगाओ डिजाइनर सा, मैं कह रहा हूं और भी इस बेडरूम की खूबसूरती को इनहेंस कर देगा, शानदार काम किया हुआ है। ये अटैच बाथरूम इस बेडरूम का, इसमें सारी फिटिंग अभी लगनी बाकी है, जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा हमने सिस्टम दिया है, पूरा ग्लास वर्क यूपीपीसी की फिटिंग है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही शानदार काम किया हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों सारा बेडरूम मैंने आपको दिखाया, पूरा व्हाइटिश कलर का बेडरूम था, पूरा पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं दोस्तों इसके दूसरे बेडरूम में, वो भी बहुत सुंदर है, चलिए दूसरे बेडरूम में चलते हैं। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स के आगे है ये दूसरे वाला बेडरूम जो कि बहुत खूबसूरत है, एंटर कर चुका हूं मैं बेडरूम के अंदर। ये देखिए पीछे वॉल पैनल लगा हुआ है, इसके अंदर आप टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, फिटिंग देखो सारी यूपीवीसी की फिटिंग है, सारा ग्लास वर्क होगा, टफन ग्लास लगेगा इसके अंदर, ऐसा काम जनकपुरी में होता है लेकिन हम आपको उत्तम नगर में दे रहे हैं। और जनकपुरी में अगर रेट का कंपैरिजन करूं ना, मैं कहता हूं आधे से भी आधे होते हैं यहाँ पर रेट वो वाले, अगर जो जनकपुरी के अंदर रेट होते हैं। इस खूबसूरत सा बेडरूम है, सारा ग्लास फिट है, पीछे में जो मेरे वॉल देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत वॉल बनाई है हमने, पूरे इंटीरियर डिजाइनर से हमने राय लेके ये बनाई है ताकि आपको बहुत खूबसूरत चीज दे सके। दोस्तों अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसके अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी करवा सकते हैं, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज दे। मैं इसकी बालकनी भी दिखा दूं व्यूअर्स को, ये ना लगे कि हम बैक साइड का फ्लैट दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रंट साइड का फ्लैट दिखा रहे हैं, फ्रंट साइड की फेसिंग है, पूरी बालकनी है, यहाँ पर वॉशिंग एरिया का सेक्शन है, सब चीजें आपको मिलेंगी। फ्रंट साइड की रोड देख रहे हैं, काफी 30 फुट बड़ी रोड है जो सीधी बाहर मेट्रो पे जाती है। ये दूसरा बेडरूम था, आपको सारा इसके बारे में बताया, बहुत ही खास बेडरूम था ये भी। अब आपको मैं तीसरे बेडरूम में लेकर चलूंगा, वो भी आपके लिए दोस्तों बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, ये फ्लैट वाकई ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहीं से मैं तीसरे बेडरूम की तरफ जा रहा हूँ, ड्राइंग रूम से होता हुआ, क्योंकि जो पहले मैंने बेडरूम दिखाए हैं दोनों फ्रंट पे थे, ये तीसरा बेडरूम तो ड्राइंग रूम के इस साइड में है। ये देखिए तीसरा बेडरूम कितना ब्यूटीफुल बेडरूम है, जिस तरह मेरा देख रहे हैं पीछे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वही जो ड्राइंग रूम में हमने काम किया था उसमें कुछ मिलता जुलता काम इस बेडरूम में किया है, कुशनिंग लूवर्स और बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी सी ये लाइटें, जो कि आपकी जब बीच में बेड आएगा ना और ये चलेंगी, मैं कहता हूँ इसकी खूबसूरती तो वो डबल इनहेंस कर देंगी। और वार्डरोब देखिए, पूरी वार्डरोब वॉल टू वॉल बनाई है हमने, और छत तक पूरी दी है, साथ में दी है ड्रेसिंग एरिया, ये है शॉफट यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी, ये हमने पैनल पूरी मैचिंग का दिया है, खूबसूरत थीम की कमी ही नहीं है इस बेडरूम के अंदर। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी फ्लैट के अंदर, हमने जितना काम मैक्सिमम करके दे सकते थे इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड, हमने सारा इस बेडरूम के अंदर, तीनों बेडरूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, किचन के अंदर, पूरे फ्लैट के अंदर मैंने काम किया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद आपको पसंद आई होगी, बाकी रहेगी लोन की बारी। अब लोन के बारे में बताऊं तो आपका इसमें 80% तक दोस्तों लोन हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो और सबसे बड़ी चीज, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं आने वाली, इसमें पानी के कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड के, बिजली का BSEC का मीटर सब हमारी तरफ से है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है, 80% का मैंने आपको लोन बताया है। फ्लैट आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, विद कार पार्किंग तो है ही है, और मेन रोड से सीधी कनेक्टिविटी के बीच में है। मैंने पूरा फ्लैट आपको रूबरू कराया, मुझे उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आपका दोस्त संजय ग्रोवर आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहेगा। दिवाली के टाइम पे मैंने ये सोच रखा था कि ऐसा सुपर स्पेशलिटी एक वॉलेट आपके सामने मैं अपने व्यूअर्स के लिए जरूर लाऊंगा, तो मैंने आपके सामने पेश रखा है। दोस्तों अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा, आपका दोस्त संजय ग्रोवर आपसे यूं ही मिलता रहेगा और आपसे प्यार पाता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।